उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किसान नेता गौरी शंकर विधवा ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान रक्षा पार्टी का गठन किया है। इस मौके पर झांसी के राजकीय संग्रहालय में किसान रक्षा पार्टी का पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गौरी शंकर विधवा ने सभी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश आजाद होने से अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है, जिससे मजबूर होकर किसान नेता गौरी शंकर विधवा ने किसान रक्षा पार्टी का गठन किया है। गौरी शंकर विधवा का कहना है कि अब अपने हक को वह स्वयं लेकर रहेंगे। देखिए, हम लोगों ने हर थक्के पार्टी में थक गए हैं। हम लोग जब से देश आज़ाद हुआ, इन नई नई पार्टियां बना के, नए नए नेताओं को बड़ा बड़ा बना के इतना लुटपिट गए हैं। इन्होंने इतना घोर भ्रष्टाचार किया है, इतना घोर उत्पीड़न किया है कि हम लोगों को अब मजबूरी में अपनी पार्टी बनाना पड़ी। किसान रक्षा पार्टी चुनाव आयोग ने हमें नाम दिया है किसान रक्षा पार्टी में। ये नकेल है राजनीतिक पार्टियां जो निरंकुश हो गई हैं, जो स्वतंत्र हो गई हैं, जो निर्भीक हो गई हैं। हम लोगों का डर नहीं है, हम लोगों की लुटाई हो रही है। इन सब बातों को रोकते हुए हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है कि अब हम अपने फैसला, अपने भाग्य का फैसला स्वयं करेंगे। वोट में वो ताकत है, इसका इस्तेमाल अब हम लोग करेंगे। हमने दूसरे को ताकतवर बनाते रहे और लुटते रहे। जिसको सिखाया बंदूक चलाना, उसी ने ताना हम ही पर निशाना। अब हम लुटेंगे नहीं, अब हम बर्बाद नहीं होंगे, अब हम लूटे नहीं जाएंगे, अब हम लोग अपने फैसले स्वयं लेंगे। देखिए, हम लोग साधन विहीन हैं, पैसा नहीं है हम लोगों के पास। हमारी लड़ाई रामायण जी जैसी है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, जैसे जंगल में रामचंद्र जी थे और लंका को विजय करने के लिए चले थे, उसी तर्ज पर हम लोगों की पोजीशन है। कैसी क्या स्थितियां बनती हैं, कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, ये हम लोग अब बैठेंगे। चूँकि पार्टी का आज गठन हुआ है, हम लोग बैठेंगे, बैठ के निर्णय करेंगे। जैसा निर्णय होगा, वैसे मेरी तो इच्छा नहीं है ये चुनाव लड़ने की, क्योंकि जल्दी, बहुत जल्दी हो जाएगी। इस चुनाव के बाद जो भी चुनाव होगा, लोकसभा के बाद जो भी चुनाव होगा, छोटे से लेकर बड़ा तक किसान रक्षा पार्टी सभी चुनाव दमखम से लड़ेगी। तो क्या इस चुनाव में आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि किसी के साथ बैठेंगे? नहीं, साथ में किसी के नहीं जाएंगे। हम नोटा पे चले जाएंगे या खुला छोड़ देंगे, भाई जिसकी जैसी इच्छा, जहाँ जैसी इच्छा हो, और फिर वो पार्टी जैसे निर्णय। देखिए, मैं अध्यक्ष बना हूँ, उम्मीद है 2019 के चुनाव में लड़ने की, अगर आपकी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए राजनीति है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निर्णय कुछ भी हो सकता है, जैसा पार्टी का निर्णय होगा, सर्वसम्मति से जैसा निर्णय होगा हम लोग वैसा करेंगे। अभी ना हम मना कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। जैसा निर्णय होगा हम लोग वैसा करेंगे।